शिवपाल का बीजेपी में जाना हुआ तय, तारीख तय, वक्त भी हुआ मुकर्रर, बस चंद घंटे और फिर भाजपाई हो जाएंगे शिवपाल। तारीख भी तय हो चुकी है, जगह और वक्त भी मुकर्रर हो चुका है, बस इंतजार है तो उस लम्हे का जब शिवपाल भाजपाई हो जाएंगे। जी, शिवपाल भाजपाई चोला पहनने जा रहे हैं, ये तो सब बता रहे हैं, मगर कब वो तारीख आएगी, वो वक्त कौन सा होगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। अंदर की खबर और तारीख, वक्त के साथ जगह भी मुकर्रर हो चुकी है। सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। बस इस रिपोर्ट को देखिए और प्लान समझिए बीजेपी का, समझिए बीजेपी करने क्या जा रही है। शिवपाल के बहाने बहुत बड़ा खेल है, यूपी में बहुत बड़ा होने वाला है। आपको तारीख, वक्त भी, जगह भी सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर क्या है जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव की, जिनकी इन दिनों सीएम साहब से मुलाकात की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद चर्चाएं हैं कि सांसद महोदय भी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी से 2016 से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के और साथ साथ शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। तो क्या शिवपाल अकेले नहीं, सुखराम के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे? वैसे ये भी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सुखराम जी के बेटे मोहित यादव भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो तारीख कौन सी है जब शिवपाल को मुस्कुराते हुए बीजेपी गले लगाने जा रही है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास खबर ये आ रही है कि 19 तारीख दिन मंगलवार या फिर 20 तारीख दिन बुधवार को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में शिवपाल को बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें खुद सीएम योगी और यूपी संगठन के तमाम बड़े चेहरे शिवपाल को पार्टी ज्वाइन करवा सकते हैं। अब सवाल ये होगा आपके मन में भी कि शिवपाल बीजेपी क्यों ज्वाइन करेंगे और बीजेपी का प्लान क्या है, इस सवाल का जवाब भी ले लीजिए। बीजेपी का प्लान ए है कि आजमगढ़ से शिवपाल को चुनावी रण में उतार दिया जाए। बीजेपी के ए प्लान के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा देने के बाद अब उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी शिवपाल को पार्टी में लेती है तो उन्हें आजमगढ़ सीट से अपना प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में बीजेपी शिवपाल यादव के जरिए एक बड़ा सियासी दांव यूपी में खेल सकती है। अब प्लान बी भी देखिए, जसवंत नगर सीट पर कमल। जी, एक तीर से दो शिकार योगी कर सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ में शिवपाल यादव के रूप में मजबूत प्रत्याशी मिल जाएगा और अगर वो जीतते हैं तो दूसरा दाव होगा जसवंत नगर सीट पर। वहां भी कमल खिलाने का मौका बीजेपी हाथ से गवाएगी नहीं। शिवपाल अपने बेटे के सियासी भविष्य के लिए राह तलाश रहे हैं। सपा ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, ऐसे में जसवंत नगर सीट खाली होने पर बीजेपी उनके बेटे के जरिए बड़ा सियासी दाव खेल सकती है। अब प्लान सी भी सुन लीजिए, राज्यसभा भेजकर 2024 का समीकरण साध लेगी बीजेपी। जी, शिवपाल यादव को बीजेपी अपने साथ मिलाने के लिए राज्यसभा भी भेज सकती है। यूपी में अगले कुछ महीनों में राज्यसभा की सीटें खाली हो सकती हैं। ऐसे में सपा के कोर वोट बैंक यादव समुदाय में सेंधमारी के लिए बीजेपी शिवपाल यादव को राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री तक बना सकती है। याद होगा आपको, विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद शिवपाल यादव 5 कालिदास मार्ग पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। दोनों नेताओं के बीच 20 मिनट तक मुलाकात चलती है। शिवपाल के जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, यानी शिवपाल के साथ उनका बेटा भी बीजेपी में शामिल होने जा रहा है और वो तारीख हो सकती है 19। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।